उन्होंने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया और उनको एक बकायदा एक लिंक मिलते गया, कुछ पैसे उनको मिलते थे, तो उनको कहा जाता था कि आप कुछ बेस अमाउंट जो है जमा करिए और उसके साथ ही मर्ज होकर आपको वापस मिल जाएंगे। शुरुआत में ऐसा भी होता गया कि ये ट्रांजैक्शन करते रहे और जो है सामने से पैसा वापसी होना है वो बंद हो गया। साइबर थाना को खुले हुए यहाँ पर 6 महीने हो गए, लेकिन पहला मामला विवेचना के लिए आज आया है और वो मामला है 31 लाख की ठगी का। ठगी समझ सकते हैं, साइबर में आया है मामला, तो साइबर से जुड़ा हुआ मामला है और इसकी प्रभारी है शिल्पा मैम। और इससे पहले आपको बता दूं कि ये मामला यूँ हुआ कि एक सब इंजीनियर है, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर साहब, फंस गए एक साइबर ठगी में। और साइबर ठगी ऐसी कि लालच बुरी बला है और ये लालच उन्हें इतनी दूर तक ले गई कि उन्हें खोने पड़ गए अपने पूरे 31 लाख रुपए। तो क्या है पूरा मामला मैम से जानते हैं और जानते हैं बचने के तरीके भी, लेकिन उससे पहले कि ये मामला आखिर कैसे हुआ और वो सब इंजीनियर साहब कैसे इस पूरे मामले में फंसे, मैम पूरा मामला क्या था? इसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आवेदक जो है घर बैठे अधिक पैसा कमाने के कारण जो है इसमें फंसा था। सामने से उसको ऑफ़र में आया था टेलीग्राम के माध्यम से और उसमें जो है चैट कन्वर्सेशन में जब उनको एक ऑफ़र ये मिला और उन्होंने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया और उनको एक बकायदा एक लिंक मिलते गया जिसके माध्यम से उनको एक स्लॉट मिलता था और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो भी आते थे उनको रेटिंग करना रहता था, हर रेटिंग के हिसाब से उनको पैसे मिलते थे और उन्होंने इसी पैसे के लिए जो है इसमें जो है रुचि दिखाई थी। जैसे ही कुछ पैसे उनको मिलते थे तो उनको कहा जाता था कि आप कुछ बेस अमाउंट जो है जमा करिए और उसके साथ ही मर्ज होकर आपको वापस मिल जाएंगे। शुरुआत में ऐसा भी होता गया, उन्होंने जो पैसे जमा किए वो उनको वापस मिलते भी गए। कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि ये ट्रांजैक्शन करते रहे और जो है सामने से पैसा वापसी होना है वो बंद हो गया। लगभग 20-22 ट्रांजैक्शन हुए और कुल मिला के 31 लाख के आसपास जो है अमाउंट इनकी जो है खाते से जमा हुए, लेकिन इनको मिला नहीं वापस। तो जब इनको समझ आया कि इनके साथ साइबर ठगी हुई है और एक टेलीग्राम के माध्यम से हुई है, तब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कराई, अब आप लोगों ने विवेचना भी शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस लंबे समय से साइबर ठगी को लेकर कैंपेन चला रही है, साइबर प्रहरी चला रही है, उसके बावजूद भी लोग इस तरीके से झांसे में कैसे आ रहे हैं और क्या ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जो अब लोग हैं कम से कम इस तरह की ठगी का शिकार ना हो? देखिए, सतर्क रहना ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पे लालच वाला जो एक चीज़ इनका था कि अधिक पैसे कमाने का, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक मैं बोल सकती हूँ कि गलत चले गया, क्योंकि अगर आप जान रहे हैं कि कुछ चीज़ वेरीफाई नहीं है और लालच गलत चीज़ है, कोई ना कोई आपको किसी न किसी कारण से मतलब फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सतर्क रहना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, ट्रस्टेड लिंक पे और सामने वाला पर्सन जिसको आप जानते हैं नहीं जानते, दूर बैठा हुआ है जिसने जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट यहाँ पे करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और ये सभी लोगों के लिए है, अगर किसी तरीके का अननोन लिंक हो, ऑफ़र हो, ईमेल एड्रेस हो, कुछ भी वेबसाइट भी हो, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहे और सतर्क रह के काम करें। बिल्कुल, सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है और जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। लालच जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप अपने ही चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे और इस तरीके की जब पता चलेगा कि आप कितनी ठगी का शिकार हो गए तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि साइबर ठगी का एक मकड़ जाल ऐसा है कि जिसमें आपको निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब दुर्ग पुलिस विवेचना शुरू कर चुकी है तो जल्दी इसके परिणाम आएंगे, लेकिन तब तक आप भी सतर्क रहें। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।